उम्मीद करती हूँ अल्लाह फजल करम से आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो भी वैसे आज हुई है जी बारिश, तो ये देखें जी कितना ज्यादा है, किचन है उसको भी जी साफ किया बाजी ने, फर्श साफ किया है। और बाहर आज भी बहुत ही तेज बारिश हुई है, वो सामने देखें जी खेतों में कितना पानी है, ये गली नीचे देखें, आसमान पे जी बादल जो है वो देखिए अभी भी गहरे ही हैं। आज सूरज बिल्कुल नहीं निकला क्योंकि सहरी के टाइम से लेके जी अभी तक बारिश होती रही है। तो आज हमारा प्रोग्राम बन गया है जी टिक्कियां बनाने का, आलू वाली टिक्कियां। तो आलू हमने रख दिए हैं आपके साथ जी शेयर करते हैं। ये जी इधर आलू बॉयल हो रहे हैं, इधर आलू जो ही जी बॉयल होते हैं तो फिर आपके साथ जी शेयर करते हैं अगला प्रोसेस। आलू जी इधर बॉयल हो चुके हैं और इनको भी छीला जा रहा है, तो मगरब का टाइम होने वाला है। टाइम हो गया यार, मेरे को भूख लगी है, सवेर का नाश्ता कीते हैं, चक्कर आने लग पे ना, मैं चक्कर आ रहे हैं मैं बड़े सख्त। आप कितनी ज्यादा भूख लग रही है, तो चक्कर आ रहे हैं क्या करूं मैं, भूख लग रही है बहुत। बाजी जी जल्दी पकाओ, अभी के अंदर अभी भी 2 घंटे लगे हैं। आज बारिश होती रही है सारा दिन, तो यहाँ पे कीचड़ था, तो सुबह का सबने जी नाश्ता ही किया हुआ है, अभी तक जी किसी ने भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, यकीन करें। ये देखे जी मुझसे भी नहीं बोला जा रहा, तो बस ये आलू जी हमारे गुजरा वाला से आने थे, तो सीर बेचारा बारिश में गया और लेकर आया, तो तब जी हमने ये तैयार करने शुरू किए हैं। ये देखिए जी सलेमान भी आलू खा रहा है, इसे भी भूख लगी हुई है, तो ये आलू पे आलू खा रहा है। ये कल का जी गया ही नहीं है क्योंकि बारिश थी, तो इस वजह से इधर ही रहेगा हफ्ता पूरा बारिश के दिनों में ना। तो सलेमान को भूख लगी हुई है, हैं आलू खा रहे हो हैं, आज ही हाथ में आलू आलू ही है, लेकिन अभी आलू पके कोई नहीं, बस ये बस तैयार हो जाते हैं अभी बस। शाम होने वाली है जी, मगरिब का टाइम होने वाला है। तो ये देखें जी इस तरह ये दोरी में जी इस तरह आलू सारे बारीक कर लिए हैं, ये अभी मोटे हैं, ये हाथ से जी मैश किए हैं पहले बाजी ने, इस तरह हाथ से मैश करके तो इस तरह पे बारीक कर लिए दोरी में, और इस तरह ये इसका मेज़ा बन गया। ये सारे मसाले जी अब हमने डाल लिए हैं, तो अब इनको जी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो अभी मैं सीधा जी तैयारी हो चुकी है जी, हमारा सारा सामान तैयार हो गया, तकरीबन 8:30 बज चुका है जी, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है जी, सबको इतनी ज़्यादा भूख भी लगी हुई है और सारे जी आस पास रखे हुए। तो ये देखिए जी साहब हमने सारा मसाला तैयार कर लिया है, माशाल्लाह जी हमारा मसाला ज़्यादा था इस वजह से जी देर हो गई है। पहले जी इसको बारीक किया ग्लास से, तो फिर दोरी के साथ, और ये जी 3-4 प्रोसेस से गुजर के फिर इतना बारीक हुआ है। तो अब ये जी तवे में घी डाल लिया है और 3-4 अंडे जो हैं वो हमने इसमें ये डाल लिए, फेंट लिए इसकी, इसको कोट करते जाएंगे और इधर तवे पे डालते जाएंगे। साथ ही इधर बाजी बहुत कुछ बाई कर रही है और इधर ही अभी हम रोटी बनाएंगे और फिर मिलके खाएंगे। तो सबको भूख लगी हुई है, हस्बैंड जो 2-3 दफा जी पता करके चले गए हैं, वो कह रहे हैं जी मेरा भूख से बड़ा बुरा हाल है, तो अब बस थोड़ी देर रह गई है, 9 होने वाले हैं, खाएंगे आपको भी साथ, हाँ आप भी खाना खाइएगा हमारे साथ। ये जी आलू में जी हर चीज़ की करारी डाली जाती है, नमक मिर्च जितने भी मसाले डाले हैं सारे की करारे डाले जाते हैं। आज जी बारिश थी तो इस वजह से जी सबका मूड बन गया, ये जी टिक्कियाँ हमने कम ही बनाई हैं आलू वाली, बारिश में जी वैसे मज़ा आता है पकोड़े और इस तरह की आलू वाली टिक्कियाँ खाने में, ये जी सिर्फ आलू वाली टिक्कियाँ ही हैं। तो ये बर्तन जी तैयार है, इसमें उतार उतार के तो रखते जाएंगे, समझ रहे हैं।
जल्दी शुरू करना। अच्छा गुजरा वाला से आलू आया, आपको नहीं पता। जल्दी बना ली करो ना, इतना लेट तुसी कर देने हो, कोई तरीका तो नहीं ना। आपने सुबह का नाश्ता किया हुआ है? सुबह का किया है, अभी 10 बज गए। लेस खाए है ना? लेस खाए, खा के पेट भर गया। फिर देखे इधर रात हो गई, काफी अंधेरा हो गया, बिल्कुल जी फुल अंधेरा। अपना इन्हें बड़ा ख्याल है, दूजे का कोई ख्याल नहीं। इतना लेट तू खा दाल इतना है। मैं पहले ना आप भूख लगी हूं, मैं कल तक मैं खा लेंगे। तो तुम यहां आ गए काम से, तू आ बैठा था तो ले। मैं बैठा, मैं काम करता है, मैं क्या क्या तू काम कर रहा है? बैठ ले। या देखो जी लड़ाई शुरू हो गई है जी इनकी। नहीं खाना आज सबको लेट ही मिला। अच्छा ये ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये बहुत लेट कर दिया। बहुत लेट क्या, इतने ज्यादा आलू थे ना तो बाजी कहती है बार बार नहीं, सुबह भी खाना है। सुबह भी तो वो कहती है सुबह का नाश्ता भी इनके साथ ही हो जाएगा। हाँ जी सुबह ये रख देंगे ना आलू, दोबारा ताजा बना देंगे। ठीक है, तो मेरी भतीजी रोटी बना रही है, तो इधर बाजी की कबाब बना रही है आलू वाले, तो बस जी डाल के देते हैं हस्बैंड को। तो खाना खा के जाए ना। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, क्यों काम है यार बहुत। तो फिर आप भूख भूख लगाई हुई तो रोटी तो खा जाए ना, फिर मैं नीचे ले आऊँ। चलो ठीक है। हस्बैंड कहते हैं जी नीचे मुझे खाना दे जाओ, तो नीचे ले आओ। ये देखिए जी मज़ेदार कबाब बन चुके हैं। तो अभी बस हमारे जी आलू वाले कबाब बन चुके हैं। तो ये देखिए जी इधर भी माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा जी इधर बन चुके हैं, और इधर अभी बन रहे हैं। और ये हमारा मसाला अभी रहता है, ये भी बना लेने हैं अभी। तो ये जी हम तकसीम करने लगे हैं। तो ये मैंने जी साथ कैचअप रखी है, जो जो रोटी खा रहा है जी उसको ये से देते जा रहे हैं। तो उम्मीद है जी हस्बैंड जो है वो नीचे चले गए हैं, वो नाराज़ होकर नीचे चले गए, उन्होंने खाना नहीं खाया, कहते हैं अभी बहुत लेट हो गया, मैं बिजी हूँ काम में। रात ही हो चुकी है जी 9:30। तो अभी जी हमारा ये काफ़ी ज़्यादा इधर मसाला बड़ा हुआ है, तो ये अभी काफ़ी देर लगनी है। और इधर भी शादी के बाद आपको दिखा दिए हैं, अभी साथ सब बन रहे हैं। तो तसीम को जी देने लगे, बाजी खा रही है, तो उन्होंने खा ली है। तो इसी के साथ जी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। हसबैंड वाइफ आपसे रिक्वेस्ट होती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो इजाज़त दीजिए जी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को बुरा वॉच किया करें। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।